कोच क्यों नहीं हायर कर रखा अब तक? देखो पहले भी मैंने अपना कोच हायर कर रखा था। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। आज का जो वर्कआउट रहेगा वो पूरा स्ट्रेंथ बेस्ड रहेगा। अब मैक्सिमम तुम लोग जिसने मेरी पिछले वाली वीडियो देखी है वो कन्फ्यूजन में होंगे कि अभी 3:30 बजे तो मैंने वर्कआउट कंप्लीट करा, अभी 5:30 बजे कौन सा वर्कआउट हो गया। तो बेसिकली मैंने एक दिन का रेस्ट लिया था, क्योंकि क्या है कि जो उससे पहले जो मेरा वर्कआउट हो बहुत ही बढ़िया हुआ, जो बॉक्सिंग ट्रेनिंग जो मेरा वर्कआउट था बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा गया था। बट मेरी डाइट अभी उस हिसाब से नहीं चल रही है, तो अभी नई डाइट प्लान करी है मैंने, वो इन प्रोग्रेस है, धीरे धीरे आएगी। बट उससे रिकवरी नहीं हो पा रही, जो भी मेरी करंट डाइट है उससे रिकवरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसल सोरनेस थी, टाइर्डनेस थी, इसलिए काफ़ी लंबा स्लीप हो गया था मेरा बीच में, कल जो था काफ़ी लंबी स्लीप हो गई थी, इसीलिए वर्कआउट नहीं करा, रेस्ट था। तो आज 3 अगस्त है एंड आज मेरा बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे टू मी। तो हाँ, बर्थडे हो या ना हो वर्कआउट नहीं रुकेगा, नो फक्स गिवन। अब जिस प्रोफेशन के लिए मैंने खुद चूज़ करा है उसको मैं कैसे स्किप कर सकता हूँ? तो स्ट्रेंथ वर्कआउट है, पहले बैक वर्कआउट करूँगा आज मैं। मॉर्निंग का जो सेशन रहेगा वो पूरा बैक का रहेगा। आज बर्थडे है मेरा, तो उसके लिए मैंने अपने लिए एक गिफ्ट मंगाया है, अब वो जब आएगा उसको तब अनबॉक्स करेंगे, अभी नहीं बताऊँगा। तुम लोगों का ऐसे ना मिस्ट्री बनी रहनी चाहिए, सेल्फ गिफ्ट, ठीक है? अब कोई गिफ्ट तो देगा नहीं यार, 22 साल का लौंडा हो गया, कौन ही घर वालों से गिफ्ट मांग के अच्छा थोड़ी लगेगा। तो सेल्फ गिफ्ट है, एक दो दिन में आ जाएगा तो वो भी डाल दूंगा। पहले कैफीन कंज्यूम करते हैं, तो उसके बाद बैक के वर्कआउट पे चलते हैं। बैक के वर्कआउट में रहेगा टेम्पो स्लो, जैसे प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग का रहता है वैसे ही, 3 सेट प्रॉपर टेम्पो, स्लो टेम्पो, 4 से 5 एक्सरसाइज एंड डैट सेट। क्योंकि मेरा बैक बहुत पेन हो रही है, बैक बाइसेप फोरआर्म और ऐसे पंच नहीं बनाया जा रहा, वो बहुत फिंगर टिप्स वगैरह बहुत पेन हो रही है। पहला वर्कआउट जो होगा बैक के लिए रोइंग होगा, 1 आर्म रोइंग, स्टार्टिंग 22.5 से 35-40 तक जाऊंगा, इसके 20 रेप्स 22.5 के। फोर्टी से 12 रेप जो है काफी कंट्रोल्ड में निकले थे, बाकी के 8 थोड़े चीट बोल लो या फिर काफी मोमेंटम में निकाल दे। 50 जो है स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए, 1-2 रेप निकलेंगे बढ़िया से, कंट्रोल निकलेंगे, तो फिर उसके बाद मोमेंटम चीट बुला लो यार उसे। 12 देखो यार, मैं बॉडी बनाने के लिए आ रहा हूँ, यहाँ जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनेगी मेरी उतना बेटर है, क्योंकि मैं विजिबल बॉडी नहीं यूजेबल बॉडी पे वर्क करता हूँ। बस अभी उठाई था आधे घंटे पहले, तो भी फर्स्ट मील कंज्यूम कर रहा हूँ, 350 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, जिसमें 100 ग्राम वो आ जाता है प्रोटीन, और नीचे जाके कार्ब्स के लिए रोटी और थोड़ी सी दाल वो कंज्यूम करूँगा। फिर उसके बाद टेरेस पे ही ट्रेनिंग है आज मेरी, टेरेस पे ही थोड़ी देर ट्रेनिंग करूँगा, हैमर थोड़े स्ट्रेंथ वाइज ना थोड़ी बैक मसल अपनी ग्रो करनी है उसके लिए, पंचेस के लिए, क्योंकि पंच में पावर तुम्हारे हाथ से नहीं आती है, तुम्हारे बैक मसल से आती है, तो बैक मसल जितनी तुम्हारी टोन्ड रहेगी, थिक रहेगी और स्ट्रांग रहेगी उसी की वजह से रहेगा। और हाँ, 100 पुलअप्स नहीं मारे थे क्योंकि मेरे हाथ जो थे वो बहुत सोर हो गए थे, पकड़ी भी नहीं जा रहे थे बार को, इसलिए 10 तक नहीं लग रहे थे यार मेरे पुलअप्स, तो 100 तो दूर की बात है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सोर हो गए इसलिए लग नहीं रहे थे। इस वजह से थोड़ा सा तो स्किप करा टेरेस पर, थोड़ी बैक मसल के लिए टायर वर्कआउट। वेल गाइस, टाइम फॉर द वर्कआउट। अभी फिलहाल जैसे मैंने बोला था टेरेस पे करूँगा, स्टार्टिंग में पहले 500 सपाटे से केवल वार्म अप रहेगा, 500 कम ही रखें ताकि वार्म अप हो जाए 30-45 मिनट्स के आसपास में। तो
ऐसे रखने हैं ताकि हो भी जाए 30-45 के इंटरवल में और बॉडी वार्म अप भी हो जाए। तो उसमें क्या करूँगा मैं अपना बता रहा हूँ, तुम उसके हिसाब से कर सकते हो प्लान, मतलब नंबर्स उसके हिसाब से अपने प्लान कर सकते हो। मैं बताता हूँ कोऑर्डिनेट कैसे करना है। स्टार्टिंग में एक्सप्लोसिव पुश सपाटे, कैसे? अभी एनर्जी है तो इसीलिए इसको जल्दी से ड्रेन करना है, तो 25 एक्सप्लोसिव सपाटे मारूंगा मैं। फिर उसके बाद मैं थक जाऊंगा तो दंड मारूंगा, तो बेसिकली दंड ये रहता है, ये तो ऐसे सीधे खड़े रहते हैं माउंट में और ये माउंट, बट इसको मैंने जो है इम्प्रोवाइज कर रखा है। इम्प्रोवाइज कैसे? क्योंकि इसमें लेग्स इन्वॉल्व नहीं होते माउंटेन में, तो उसको हम माइक टाइसन पुशअप से इम्प्रोवाइज करके, तो ऐसे मतलब माइक टाइसन पुशअप में ऐसे पीछे जाते हैं और फिर पुशअप मारते हैं, तो उसमें लेग्स भी ट्रेन होते हैं। तो डंड में इसमें इम्प्रोवाइज कर रखा है, माइक टाइसन पुशअप में लेग वर्कआउट आ गया और फिर ये डंड, ये डंड, ये फिर ये मारने 25 से 30, इसमें एनर्जी बची रहेगी इसीलिए ये हो जाएगा। और जैसे ही थक जाऊंगा मतलब नॉर्मल हो जाऊंगा, फिर नॉर्मल ये जो नॉर्मल होते हैं पीछे जाके 25 से 30 ये, और फिर थक जाऊंगा वापस से तो नॉर्मल एक स्टेप पीछे आगे फिर पस्सा पाटे। ये मारने के बाद यही साइकिल में चलता रहेगा। एक्सप्लोसिव पहले 25 मैंने स्टार्टिंग में मारे और एंड के 25 में एक्सप्लोसिव। स्टार्टिंग में हमें थकना है, फिर उसको मेंटेन रखना है, स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, एंड्योरेंस बिल्ड करना है, फिर एंड में फुल एग्जॉशन। तो ये प्लान रहता है मेरा सपाटे में, तो पहले इसको करते हैं। वार्म अप हो गया, अब बारी है स्लेज हैमर की। तो इसमें दो टाइप से करने हैं मुझे, पहला फुल फोर्स के साथ, फुल फोर्स, ठीक है, इसके 50-50 के राउंड्स करूँगा, 50 एक हाथ से, 50 एक हाथ से। फिर उसके बाद कंटिन्यूस ऐसे, ये होगा टाइम बेस्ड, ये होगा टाइम बेस्ड 30-30 सेकेंड्स, जितनी फास्ट हो सके उतनी। अभी तो स्लो कर पा रहा हूँ क्योंकि माइक है, जल्दी से निपटाते हैं। फिर इसके बाद क्रंचेस करने, क्रंचेस इज द मोस्ट क्रिटिकल बोल लो, इम्पॉर्टेंट बोल लो, क्योंकि एज एन एथलीट, एज एन मार्शल आर्टिस्ट, एज अ फाइटर, कोर सबसे स्ट्रांग होना तो बोला बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं धीरे धीरे अभी कैलिस्थेनिक्स में भी स्विच कर रहा हूँ। वेट्स हफ्ते में एक दिन उठाऊंगा मैं, मतलब स्ट्रेंथ वाइज, और बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली अपना वर्कआउट प्लान बना रहा हूँ। अभी मेरा स्प्लिट रहता है एक्सप्लोसिव एंड एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एक अलग से, फिर रहता है सर्किट ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वो हफ्ते में 2 से 3 दिन, फिर मेरा बॉडी वेट वर्कआउट, और ये तो डेली करना ही करना है बॉक्सिंग, और बीच में थोड़े वेपन ट्रेनिंग इन्वॉल्व करनी है यार, बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें करनी है मेरे को, तो ना सोच सोच के गूज़बम्स आते हैं। मैं तुम लोगों को अपना सपना बताऊंगा ना, तुम लोग वैसे ही अपने ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये सब प्लान है भाई तेरे दिमाग में। मेरे को अभी ये वर्कआउट प्लान देखते इतने गूज़बम्स आने लगते हैं कि यार इतनी सारी चीज़ें करता हूँ मैं, वो भी विदाउट एनी गाइडेंस। कोच क्यों नहीं हायर कर रखा अब तक? देखो पहले भी मैंने अपना कोच हायर कर रखा था, बट उसका फ़ायदा नहीं है अगर तुम्हारा कोच तुम पे ध्यान नहीं दे रहा है ना। या स्टार्टिंग में समझ में आता है कि 2 महीने नहीं दिया, 4 महीने नहीं दिया, 6 महीने दिए, यार 8-8, 9-9 महीने तुम पे ध्यान नहीं दे रहा ना कोच, बेकार है फिर यार उनके पास। मैंने तो अपने टाइम बर्बाद किया है, मतलब इतना भी नहीं किया है, हाँ एक्सप्लेनेशन ली है, मतलब सीखा है, ज्ञान लिया है, कोई भी ज्ञान वेस्ट नहीं होता, ध्यान दिया है, बट वो वाला लेवल का ध्यान नहीं दिया जो जिस लेवल का मैं बन जाऊँ। तो इससे बढ़िया मैं खुद ही अपने आप को ट्रेन करता हूँ, सेल्फ एक्सपेरिमेंट, सेल्फ ट्रेनिंग। इसलिए कभी कभार एक्सट्रीम चीज़ें ले जाता हूँ, अपनी बॉडी को निगलेक्ट कर देता हूँ। एज एन कोच ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है, एज एन कोच प्रोज तो बहुत बढ़िया, बहुत सारे हैं कि एक्सपीरियंस मिलता है, कनेक्शंस मिलते हैं और एक राइट डायरेक्शन मिलती है, बट उसी तरफ कॉन्स होते हैं कि तुम्हें एक लिमिटेशन सेट हो जाती है तुम्हारी, तुम्हें एक डर के जीना पड़ता है, डर के इन द सेंस तुम्हारे कोच को इतना एक्सपीरियंस होता है तो वो इस चीज़ से भी एक्सपीरियंस होता है कि उसको इंजरी भी होगी, क्योंकि कोच के खुद इंजरी हो रही होती है। तो वो अवॉइड कैसे करना है अपने स्टूडेंट्स में वो भी अप्लाई कर देता है, और कभी कभार इतना अप्लाई कर देता है कि
वो लिमिट ही ब्रेक नहीं कर पाता स्टूडेंट अपनी, इसलिए टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं यार, मैं जो कर रहा हूँ उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं है। प्रोज ये है कि मैं किसी भी टाइप की ट्रेनिंग कर सकता हूँ, कोई मेरे ऊपर सर पे हाथ रखने वाला नहीं है, तो मैं एक राइट डायरेक्शन में जाने के बजाय मैं सारी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अब सोचो मेरी वेपन ट्रेनिंग का एक अलग से कोच होता, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का अलग से कोच होता, एक्सप्लोसिव वर्कआउट एथलीट वर्कआउट प्लान्स के अलग कोच होता, ट्रेनिंग के अलग कोच होता, कितना हाई लेवल बन जाता मैं। बट उस हाई लेवल पहुँचने के लिए ना ये कोच होने जरूरी है, और इन कोच को देने के लिए पैसे, और अभी इतनी औकात नहीं है मेरी, तो पहले औकात बना रहा हूँ मैं, फिर धीरे धीरे कोच हायर करूँगा। इसीलिए स्टार्टिंग से बिल्डअप करना है ना एक कोच और स्टूडेंट का वो कनेक्शन, तो तुम्हें यार यंग एज से ही काफ़ी वो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, एक बॉन्ड बन जाए स्टूडेंट का, सालों सालों से बॉन्ड है, इसीलिए कोच तुम पे ध्यान देता है, इसलिए कोच तुम पे डेडिकेटेड रहता है। वरना आए जाए कोच तो कितने मिलते हैं, आया जाए स्टूडेंट कितने मिलते हैं, हर किसी पे थोड़ी ना अपना 100% देता रहेगा कोच भी। तो इसीलिए मेरे पे भी इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं भी बात हुई ना मेरी, तो कभी कभार हिंट मिल जाते हैं कि उन पहले कोच के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने अपना 100% दिया अपने स्टूडेंट्स पे, 4-5 स्टूडेंट थे उन पे 100% दिया, बट उन्होंने एंड में आके धोखा दे दिया कि यार ऐसे किसी और कोच के अंडर चले गए जिसकी हाई वैल्यू है मार्केट में, और पीछे कोच रह गया, तो ये एक डर रहता है। तो इसी डर की वजह से उन्होंने मेरे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मेरे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो मैंने भी छोड़ दिया, भाई मेरे पे ध्यान नहीं दिया तो मैं भी छोड़ूंगा यार, ऑब्वियसली मैं भी यहाँ कुछ उखाड़ने आया हूँ, केवल ऐसी नॉर्मल थोड़ी ना कि आए कोच करा टाइम पास करा फिर अपना नॉर्मल कॉलेज या फिर जॉब कर ली, ये भी तो सीन नहीं है, मैं भी तो अपना 100% दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इस वजह से ये सीन बैठ जाता है कभी कभार। जो समझ गया वो बढ़िया, जो नहीं समझा राम जी भला करें आपका। और चलो यार वर्कआउट करता हूँ मैं, मेरा फिर ठंडा हो रहा शरीर वर्कआउट करने के बाद, सीधा मैं मिलता हूँ तुम्हें डाइट पे, कि किसी को मार के नहीं खाना चाहिए। मेरे को भी ऐसा होता है यार, मैं भी इसलिए बिना सॉस मतलब बिना तड़का मसाला ये सब भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि पता होना चाहिए कि क्यों खा रहा हूँ मैं मज़े के लिए नहीं खा रहा चिकन। मैंने अपने हेल पैराडाइज चैलेंज में तब चिकन और उसके लिए डाइट के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए सोयाबीन सबसे कंज्यूम करता था मैं, बट हाँ नहीं होता भाई उससे, होता है सर बट ऐसा लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल इतने बाद, अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है भाई, मेरा प्राइम पीरियड चल रहा है 21-22 का हो गया मैं, आज 4 तारीख 3 तारीख, हाँ आज बर्थडे है ना, हाँ सॉरी कभी कभार बर्थडे भूल जाता हूँ अपना, अरे एक्साइटमेंट ही नहीं रहती यार बर्थडे की पार्टी दूँ ये दूँ, एक घर वालों के अलावा और बहनों ने के अलावा किसी ने कोई याद नहीं रखता यार, क्यों याद रखेगा, लड़की थोड़ी ना हूँ मैं। चलो मिलते हैं वर्कआउट के बाद।